जौनपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने जौनपुर जिले के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी करार दिया है। सजा कल सुनाई जाएगी। धनंजय सिंह को कोर्ट से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 10 मई 2020 को विक्रम और उसके सहयोगियों द्वारा उसका अपहरण करके धनंजय सिंह के आवास पर ले जाया गया, जहां धनंजय ने पिस्टल निकालकर धमकाया, रंगदारी मांगा। आरोपियों ने जबरन गिट्टी बालू की आपूर्ति के लिए दबाव डालते हुए धमकी दिया। वादी की एफआईआर पर आरोपी गिरफ्तार हुए और जेल गए थे। बाद में वादी एफआईआर में कही गई बातों से मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में मुकर गया और कहा कि धनंजय व विक्रम ने न तो अपहरण कराया न रंगदारी मांगी। वादी के घटना से मुकरने का फायदा विक्रम को तो मिल गया, लेकिन धनंजय चूक गए। सूत्रों की माने तो पहले विवेचक ने फाइनल रिपोर्ट टीओ ऑफिस में दाखिल भी कर दी थी। बाद में पुलिस के उच्च अधिकारी के आदेश से पुनः विवेचना हुई और इस बार चार्जशीट दाखिल हुई। क्या मामला सर? ये पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके संतोष विक्रम सिंह के ऊपर 10 मई 2020 को एक एफआईआर दर्ज हुआ था थाना लाइन बाजार में, धारा 364, 386, 504 और 120 बी का, जिसका ट्रायल एमपी एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी के यहाँ चल रहा था, जिसमें आज जो है बहस के उपरांत सजा, अरे आरोप जो इन लोगों को दोष सिद्धि की गई है कोर्ट द्वारा, सजा के बिंदु पर कल सुनवाई होनी। ये नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके मैनेजर अभिनव सिंघल के द्वारा ये आरोप लगाया गया था, अपहरण और फिरौती और धमकी, ये सब का आरोप इनके इन लोगों के ऊपर लगाया हुआ था, जिसकी चार्जशीट जो है विवेचक द्वारा सबमिट की गई थी, उसका ट्रायल हुआ और ट्रायल के उपरांत सारे गवाह परीक्षित कराया गया जितने उसमें गवाह थे, और इसके बाद जो है बहस हुई। बहस के बाद आज न्यायालय ने आदेश पारित किया है और इन लोगों को दोष सिद्ध किया गया है और जेल भेज दिए गए। वादी और भी गवाह जो है आपके अपने अभी कथन से आंशिक रूप से कुछ जो है हॉस्टाइल हुए थे, लेकिन कुछ तथ्य जो है अदालत को मिला होगा तो उसको तो विस्तृत अध्ययन के बाद ही जो है पता चलेगा, क्योंकि आदेश अभी आया, थोड़ा लेट आया, तो उसका अध्ययन नहीं हो पाएगा। सजा के बिंदु पे कल सुनवाई है, अध्ययन करने के बाद सजा के बिंदु बहस की जाएगी, फिर जो है आप लोगों को। सांसद आज हाजिर हुए थे इसमें, पूर्व सांसद जी और उनके जो है संतोष विक्रम जी, दोनों लोग न्यायालय में हाजिर थे, हाजिर होने की उनकी उपस्थिति में ही सजा सुनाई गई। उसके बाद उनको न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया है, भेजवा दिया गया न्यायालय द्वारा। अब कल सजा के बिंदु पे सुनवाई होगी, तब ये निश्चित होगा कि सजा कितने दिन की होगी। जिसने भी था वो तो पक्ष में थी, तो किस तरह से देखते हैं पूरे प्रकरण का? ये वाला देखिए, न्यायपालिका के ऊपर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, देखते हैं कल लेट द जजमेंट कम फर्स्ट।